राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर कन्हैयालाल की हत्या से जुड़े चार आरोपियों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच शनिवार को एनआईए कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट में पेशी के दौरान गुस्साए लोगों ने आरोपियों पर हमला कर दिया। दरअसल जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों पर हमला हुआ, उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया था, लेकिन इसके बावजूद आरोपियों को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आरोपियों के कोर्ट में जाने के बाद 5 घंटे तक दरवाजा बंद कर दिया गया, लेकिन जब वो बाहर निकले तो जूते, चप्पल और डंडों से पिटाई हुई। जब पुलिस उन्हें गाड़ी पर चढ़ा रही थी, उस दौरान भी लोगों ने थप्पड़ों से पिटाई कर दी। आरोपियों की पिटाई का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि जब उन्हें पुलिस की गाड़ियों में चढ़ाया जा रहा था, तभी उसके पीछे लोग पुलिस की सुरक्षा के बीच उन्हें पीटते हैं। एक आरोपी की गर्दन पकड़ते हुए उसे पीछे से थप्पड़ भी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस एक एक कर उन चारों आरोपियों को गाड़ी में चढ़ाती है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों की पेशी से पहले ही यहां मौजूद वकीलों ने आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी की थी। आपको बता दें कि 28 जून को उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद राजस्थान में जगह जगह बवाल शुरू हो गए थे। उसी दिन शाम तक 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि कन्हैयालाल के मोबाइल से नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट हुई थी। इसके चलते ही रियाज और गौस मोहम्मद ने उनकी हत्या कर दी थी। राजस्थान सरकार की ओर से घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया गया था। बाद में कोर्ट ने इस केस को NIA को सौंप दिया था।